नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आप एनवीटी थ्रेशर के बारे में तो जानते ही होंगे, जो विभिन्न प्रकार के मल्टीक्रॉप थ्रेशर, बैक टोकरी, साइड टोकरी, ग्राउंड नट थ्रेशर आपके लिए लेके आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा स्पेशल थ्रेशर दिखाने वाले हैं जहाँ पे कंपनी का कहना है कि गेहूँ, चावल और मूंगफली एक ही थ्रेशर से निकल जाती है। क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसे थ्रेशर नहीं देखे, तो इसकी जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ एलनाबाद एनवीटी कंपनी में, जहाँ मक्खन सिंह जी हमारे साथ हैं और ये इस थ्रेशर के बारे में बताएंगे क्या वाकई में इसमें सारी फसलें निकाली जा सकती क्या। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका एनवीटी कंपनी में पहुँचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तो धन्यवाद पहले था, लेकिन आज दोबारा धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाल करके एनवीटी कंपनी में पहुँचे। जी सर, बहुत बढ़िया, आपका भी धन्यवाद। अब बताइए, मुझे ये बात विश्वास करने लायक हो नहीं रही, शायद बहुत से भाई हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि धान, गेहूं और मूंगफली एक ही मशीन में से कैसे निकालेंगे। सर, हमारा जो विश्वास की बात करी है, हमारा विश्वास एनवीटी कंपनी ब्रांड, ठीक है, ये किसान भाइयों को ये मैं बात कह देना चाहता हूँ, एनवीटी पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेसर, एनवीटी पैडी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेसर, जो आप सामने इस मॉडल को 6 फैन के अंदर देख रहे हो, ये वाला मॉडल है। इसमें गवार, बाजरी, सरसों, चना, मूंग मोठ और धनिया, मूंगफली और सोयाबीन, मटर, ये अन्य फसलें इस पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेसर से निकलेगी। जो मॉडल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, गीली फसल भी निकाल लेगा? बिल्कुल, ये गीली से गीली, ऊपर बारिश, इंद्र भगवान खुश है, नित्य एनवीटी कंपनी का ब्रांड किसानों की सेवा में लगा होगा, ऐसा ये मॉडल आपके सामने। इधर से मूंगफली उफाड़ते जाओ, अंदर डालते जाओ, या फिर सोयाबीन काटते जाओ, निकालते जाओ। बिल्कुल, अगर आप गीला माल निकालोगे, गीले माल के अंदर इसमें तूड़ी, आप जिसको भूसा कहते हो वो नहीं बनेगा, सूखे माल के अंदर भूसा बनेगा। गीले से गीला और सूखे से सूखा माल एनवीटी पैडी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेसर से निकाला जाएगा। मतलब कि आपका कहना यह है कि अगर मूंगफली सुखा के निकाल रहे तो उसका भी भूसा बन जाएगा, हर सूखी फसल का, हर फसल का भूसा बनेगा? हाँ, सूखी हर फसल का भूसा बनेगा। गिल्ली के अंदर जैसे आपने पेडी थ्रेसर देखा होगा, इसमें से इसके अंदर वो पाटा लगा हुआ है, उससे वो माल सीधा फाइट करके ये 20 से 30 फुट तक माल जो आगे दूर जाएगा। अच्छा, मतलब लेकिन आज दिन तक मैंने बहुत से पेडी थ्रेशर देखे, इसको इतना ऊपर देने की क्या जरूरत रहती है? देखो, मतलब बहुत से मेरे दिमाग में, हमारे भाइयों के दिमाग में भी होगा, देखो अगर इसको माल बिल्कुल नीचे गिरा दें तो अगर 100-200 क्विंटल अगर किसान अपना माल निकालेगा, वो तो फिर वो दाने हटाएगा या कचरे को आगे करेगा। इसलिए इसको सिस्टम ऐसे दे दिया कि 20 से 30 नहीं 40 फुट तक माल ही आगे फेंकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे को कंफ्यूजन था, मैंने कहा इतना ऊपर देने की क्या जरूरत है, मतलब ये सोचता था मैं। इसके अंदर एनवीटी जो पैडी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेसर है, इसके अंदर ये पूरे के पूरे हमारे जो जितने भी राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, एमपी और यूपी, जितने भी हमारे डीलर हैं, उन सभी डीलरों के पास ये वाला मॉडल जा चुका है। और काफ़ी जो तकरीबन एक साल से हमारा फील्ड में हर जगह से टेस्टिंग इसकी हो चुकी है, और ये वाला मॉडल आपको हर डीलर के अंदर, हर डीलर के पास मिलेगा। अब बताइए सर, ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा प्रोसेस इसका बताइए। आओ इस डोली की तरफ आओ सर, ये देखो सर, इसकी डोली है, आपने डोली के अंदर पौधे को डालना है, डोली के अंदर आगे फीडर सिस्टम लगा हुआ है, फीडर सिस्टम से ड्रम के अंदर माल जाएगा पूरा, ड्रम के अंदर ब्लेडें भी लगी हुई है और लंबे लंबे वोल्ट भी लगे हैं, वो आप बाद में आपको वो इसका ड्रम खोल के दिखाएंगे। और इसके अंदर ड्रम के सेंटर के अंदर एक चोक प्लेट लगी है, अगर आपने भूसा बनाना है तो वो उसकी चोक प्लेट पूरा बंद होगा, अगर आपने गीला माल निकालना है वो चोक प्लेट हटा दी जाएगी, और रोलर सिस्टम से माल के मतलब पौधे में से, जो अगर मूंगफली की बात करें या चावल की बात करें, वो फली जड़ के माल निकल जाएगा, नीचे चलने में आ जाएगा, और इसका जो बड़े भूसा होगा, जो बड़ा पौधा बचा होगा शेष, वो आगे चला जाएगा सीधा, जो सामने वो दिख रहा है उसका पतनाला वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये इसके अंदर ब्लेडें भी है और बोल्ट भी लगे हुए हैं गीला सूखा माल निकालने के लिए। सर, अगर फैन की बात की जाए, इतने सारे फैन दिखाई दे रहे हैं, इसके इतने फैन देने के पीछे का कारण? देखो, ये फाड़े का फैन है सर, जो जैसे कि जो इसने भूसे को आगे फेंकना है, जिसमें अगर कोई दाना आ जाता है उसको ये फाइड से तोड़ करके और दाना नीचे गिरा देगा और जो भूसा है वो आगे चला जाएगा। ये फैन मेन फैन चलने से माल को उठाने के लिए, बाकी ये इसके अंदर ये लगातार 3 फिल्टर लगे हुए हैं, ताकि जो माल बिल्कुल सफाई से किसान सीधा अपनी बोरी भर के अपने अनाज मंडी में ले जा सके। मतलब इतने कोई तो मैंने कभी देखे नहीं आज से पहले। मतलब सर, ये देखो, एक फैन, दो फैन, ये डबल फैन से स्टार्ट हुआ था, आज ये 6 या 7 फैन हो चुके, और यहाँ तक मेरा आइडिया है कि अगर एक आधा फैन और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाने में जो हमारी कंपनी एनवीटी के R&D है, वो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। और इसके अंदर ये फिल्टर है, ये एयर फैन इसके अंदर लगा हुआ है,
अच्छा, और सबसे मजे की बात यह है एनवीटी पैडी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेसर के अंदर इसमें 3 स्पीड लगी हुई है, जो आपको पूरा ढक्कन खोल के ना इस साइड में आपको दिखाते हैं, जरा आप इधर लेके आओ जी कैमरे को। अच्छा, मतलब 3 स्पीड अपनी अपनी फसलों की 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। मेन शापट पंखे के इसके राउंड अलग हैं, और जितनी आप चाहेंगे हवा कम और जितनी चाहेंगे इसकी हवा ज़्यादा कर सकते हैं। ये अलग अलग स्टेप की 3 पुलियाँ बी ग्रुप के अंदर इसके अंदर लगी हुई है, जिसमें किसान को किसी भी तरह की कोई माल निकालने में दिक्कत नहीं आती। नहीं सर, ये इतनी आपने चाल दी, ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी तरह की फसलें निकाल रहे हैं, पता नहीं कब कौन सी हवा की ज़रूरत पड़े। नहीं, वो किसान को हमने अपने YouTube पर वीडियो डाल दिया है, उनको ये पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आता है कौन से अनाज के अंदर कितनी हवा की जरूरत है। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ जुगाड़बाजी करने की जरूरत नहीं है, इसका केवल चोक प्लेट का ही मेन है। अगर चोक प्लेट को हटा देंगे तो गीला माल, अगर पूरा बंद कर देंगे तो सूखा माल, और बाकी वोल्ट ऊंचे नीचे हो जाते हैं, वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, हर किसान वो भली भांति से जानता है। अंदर जो टोके थ्रेसर जैसा इसका सिस्टम है, जो पहले ऑलरेडी वो चल ही रहा था, और इसके अंदर वो जाली का आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये नीचे जो जालियाँ इसके लगी हुई हैं, जौन सा आपने अनाज निकालना है, मतलब 15 नंबर से लेकर के मूंगफली से लेकर के और 10 नंबर तक जालियाँ कंपनी कस्टमर को साथ में देती है, जो अनाज आपने निकालना है वो जाली इसमें डाल सकते हैं। जैसे नीचे की वो जाली जिसने पैडी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप लेना है, उसको तो नीचे की जाली जो फोल्डिंग दी जाती है, वो जिसने केवल पैडी थ्रेसर या मल्टीक्रॉप थ्रेसर चाहिए उसको 6 फैन वाला, उसको जो है जालियाँ फिक्स है, बाकी सभी जालियाँ फोल्डिंग है। और जाली निकालने का तरीका इस ढंग से मैं आपको बताता हूँ, ये देखो आप, थोड़ा ये देखो, हमारा जो जिसने पेडी ग्राउंडनट साथ में निकालना है, उसका ये वाला हमारा एलिवेटर का जो सिस्टम फोल्डिंग है, ये देखो। अच्छा, मतलब एलिवेटर हटके इधर आ जाएगा। हाँ, और जाली जो है नीचे से सीधी बाहर आ जाएगी, जो नीचे वाली जाली है, क्योंकि ग्राउंडनट जब उसने निकालना है तो उसको नीचे वाली जाली बड़ी चाहिए, बाकी के अंदर 6 नंबर की जाली जो फिक्स लगती है उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, बाकी जो जालियाँ वो साइड से निकल जाती है, दूसरी साइड से सभी जालियाँ, उस साइड से सारी जालियाँ निकल, सभी जालियाँ बाहर निकल जाती है। ये और पूरा एलिवेटर फोल्ड सिस्टम देके बढ़िया कर दिया, अगर किसी किसान को सीधा अनाज लेना तो यहाँ से भी आ जाएगा, एलिवेटर भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा एलिवेटर की बेल्ट उतारी, एलिवेटर अपना फोल्डिंग है साइड में लेकर के, और इसका आराम से किसान अपना काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मक्कन सिंह जी, जैसे कि अभी हम नीचे खड़े थे तब आप चोक ब्लेड की बात कर रहे थे, प्लेट की जी, वो क्या होती है और कैसे हटाया जाता है, कौन सी फसल पे हटानी रहेगी और कौन सी पे लगानी रहेगी? ये देखो, चोक प्लेट है, ये नट इसके खोल दिए हमने, पूरे इसके साथ लगे हुए हैं, और चोक प्लेट का आधा पार्ट बाहर कैसे निकालना है, जैसे आप चना निकाल रहे हो या अन्य कोई दालें निकाल रहे हो, इसका आधा पार्ट बाहर निकाल दो, जो गीला माल है, जितना भी जितनी परसेंटेज माल के अंदर गीला है या नमी है, उतना वेस्टेज ये पाड़े में आके बाहर निकल जाएगा, और बाकी जो वो भूसा बन के चलने के अंदर चला जाके वो फैन है इसको आगे उड़ा देगा। और ये हाफ चोक प्लेट कैसे निकालनी है, ये हमारे रंजीत भाई जी आपको निकाल के दिखाते हैं, हमारे एनवीटी के R&D हैं भाई साहब, जरा ये हाफ प्लेट को निकालो, ये देखो ये वोल्ट हैं, रंजीत भाई पहले से ही तैयारी में थे, इन्होंने वोल्ट पहले ही खोल दिए थे, और ये प्लेट का हिस्सा निकल गया आधा, आधा हिस्सा निकलने के बाद आप गिल्ली सूखा माल जो बड़े आसानी से बढ़िया तरीके से निकालते हो, लेकिन अगर आपने ग्राउंडनट निकालना है, बिल्कुल गीला माल निकालना है, तो ये पूरी प्लेट जो निकल जाएगी, ये भी भाई साहब आपको बताते हैं, पूरे का पूरा सिस्टम जो फोल्डिंग है, ये देखो, ये देखो, ये पूरी की पूरी प्लेट जो बाहर निकल गई, यानी जिसको चोक प्लेट बोलते हैं। अब इसमें आप गिल्ली मूंगफली निकालो या कोई भी बिल्कुल गीला माल जो निकालो, लेकिन ये प्लेट निकलने के बाद में भूसा नहीं बनेगा, बड़ा बड़ा माल, बड़े बड़े लफूसड़े जो हैं वो आगे चले जाएंगे, जितना सूखा माल होगा वो कट करके नीचे चला जाके एयर फैन जो माल को उठा देगा और नीचे जो दाना चलने के अंदर चला जाएगा, ये ही चोक प्लेट का मेन कारण है। रही बात जब चोक प्लेट आपने निकाली है, तो ये अंदर इसके तलवारें लगी हुई है, इन तलवारों को वो टेपर होनी चाहिए, ये देखो, ये सभी टेपर हैं, जो 3 बिल्कुल टेपर रहेगी, चौथी जो है उसको भी टेपर करना पड़ेगा, अगर ये सीधी रहेगी तो अंदर के बोल्ट वगैरह ये तोड़ देगी, क्योंकि माल ने घूम करके आगे जाना है, इस चीज़ का ये हमारे किसान भाई पूरा का पूरा ध्यान रखें। ठीक है, यही इसकी गेम है सर। जी जी जी, ये इसी, हाँ, इसके अंदर ये जैसे मैंने आपको बताया था वोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ ब्लेड लग जाएंगे, अभी ब्लेड लगाए हुए नहीं है, और पूरे का पूरा जो सिस्टम ड्रम जाल की बात करें तो बड़ा बढ़िया तरीके से इसके जम ड्राल निकल जाएंगे, जालियाँ निकल जाएगी, पूरे का पूरा जो है आपको ड्रम जाल और जालियाँ कंपनी की ओर से प्रोवाइड करवाई जाएगी,
चाहे माल कंपनी से खरीदा जाए या अन्य किसी भी स्टेट से हमारे डीलर से माल लोगे, तो ये पूरे का पूरा आपको जो पार्ट्स का सामान है जैसे इसके साथ आता है वो आपको दिया जाएगा जी। तो सर जो अभी खोल के दिखाया था उसी फंक्शन की वजह से मूंगफली भी निकाल लेगा और गेहूँ भी निकाल लेगा और चावल भी निकाल लेगा? जी सर, वो चोक प्लेट से ही जितनी भी फसलें मैंने आपको बताई है, ग्वार, बाजरी, सरसों, चना, मूंग, मोठ और यहाँ तक कि धनिया की बात करें वो भी बहुत मज़ेदार इसमें निकलेगा। गेहूं है, मटर है, सोयाबीन है, 12-14 फसलें जो किसान है अपने बड़ा बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं जी। बहुत बढ़िया मशीन ले गया है, यकीनन हाँ। जब जाके पूरा सिस्टम देखा तब जाके समझ में आया कि कैसे काम कर रहे। सुनी सुनाई बात से ऐसा लगता नहीं यार कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं सर, हमने अपने NVT YouTube चैनल पर इसके वीडियो डाल दिए हैं। पिछले सीजन ये मशीन खूब चली और धड़ल्ले से चली, कस्टमर को मिल ही नहीं पाई, ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड थी। और इस बार भी हम पूरी तैयारी के अंदर हैं, आगे जो है ऊपर इंद्र भगवान, जैसे हमने गिल्ली मूंगफली का आज वीडियो बना रहे हैं और ऊपर से इंद्र भगवान भी बहुत खुश है, बारिश आ रही है और बारिश के अंदर खड़े हैं। और बारिश में ये चलने वाला NVT का जो ब्रांड आज जिसका वीडियो हम आपको कर रहे हैं वो मतलब आपके सामने है। हमारे डीलर से संपर्क करें, अगर डीलर उसके टच में नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल NVT थ्रेशर, न्यू विश्वकर्मा थ्रेशर, हमारा चैनल जो है वो सर्च करें और पूरे के पूरे हमारे वीडियो और हमारे मोबाइल नंबर, कंपनी के नंबर आ जाएंगे। वो किसी भी नंबर से संपर्क करके बुकिंग करवा सकता है, ऑनलाइन बुकिंग करवा सकता है, होम डिलीवरी की सुविधा कंपनी की ओर से प्रोवाइड करवाई जाएगी। अच्छा, कंपनी की तरफ से होम डिलीवरी की सुविधा मिल जाएगी। होम डिलीवरी अगर कोई कस्टमर को जरूरत है तो उसको होम डिलीवरी जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल देना, चाहे डीलर से खरीद रहे हो चाहे NVT कंपनी सीधे से खरीद रहे हो, मशीन NVT कंपनी की आपको मिल रही है, उसकी सारी जिम्मेदारियां NVT कंपनी की रहेगी। जी बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा ये बात आप हमें कमेंट करके बताओ। और मक्कन सिंह जी स्पेशल तौर से आपका धन्यवाद कि आप इतना बढ़िया कमाल शानदार मशीन लेके आए हैं कि अगर किसान भाई एक मशीन खरीदे तो उसको अलग अलग प्रकार की मशीनें खरीदने की भी जरूरत खत्म हो जाएगी। देखो सर, ये हमारा धन्यवाद हमारे हम पूर्वजों का कर रहे हैं जिन्होंने हमें गाइडलाइन दी और हमारा एक किसान और किसान होने के नाते ये हमें जन्म से जिस थ्रेसर के बारे में जानकारियाँ थी, हमारे पिताजी, हमारा एक खेती का काम था। थ्रेसर लोग जो है बनाना तो बहुत जानते थे लेकिन चलाना जो है वो हमारे पिछली गली में होके हमारे पिताजी के पास ही आया करते थे। ब्रांड अपना नाम लिखते थे और उनके चलाने वाले हमारे पिताजी थे और जो मैन्युफैक्चरर हमारे इलाहाबाद में वो पिछली गली होकर के हमारे पिताजी के पास आया करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मशीन कैसी लगी बात हमें कमेंट करके बताना ना भूले। और जैसा कि मक्कन सिंह जी ने बताया कि अगर आपको खरीदनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे संपर्क कीजिए, आपको नज़दीकी डीलर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आपके नज़दीक में कोई डीलर नहीं है तो सीधे कंपनी आपको मशीन प्रोवाइड करवा देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। NVT का ये नया ब्रांड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ जरा। और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपको खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा यहाँ मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान, जय किसान।